हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रिस्का फैशन फॉर एवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एथनिक ड्रेस की कलेक्शन लेकर के आई हूँ, जो कि जन्नत जुबैर ने पहना है। ये सारे ही ड्रेस के कलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ड्रेस की कलेक्शन की डिज़ाइन ही नहीं, आपको यहाँ से ये भी आइडिया मिलेगा कि किस ड्रेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी कैरी करनी है, किस तरह का मेकअप करना है, जिससे आप मॉडर्न और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और सारे ही डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे लगेंगे आपको। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उस तरह की ड्रेस आप किसी भी पार्टी पे ज़रूर पहनें, किसी फंक्शन पे पहनें। और जो मेकअप लुक है उसे भी आप ध्यान से देखें और जिस तरह का आप ड्रेस कैरी कर रहे हैं उस ड्रेस पे उसी तरह का मेकअप लुकअप करवा सकते हैं। और फिर ज्वेलरी भी आप देखें कि किस तरह की ड्रेस पे किस तरह की ज्वेलरी पहनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न लग सको। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये ग्रे कलर की साड़ी जो कि जन्नत ने पहना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप किसी इवनिंग पार्टी के लिए कोई ड्रेस चूज़ करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रे कलर ज़रूर चूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा एलिजेंट और प्यारे लगोगे आप। और अगर किसी फ्रेंड की शादी हो और मायो का फंक्शन हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने कि जो सबसे ज़्यादा आप अलग लगो और ब्यूटीफुल लगो, तो फ्रेंड्स आप या तो पिंक वाला लहंगा ट्राई करो या फिर सीक्वेंस की साड़ी। यकीन माने आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे और लोगों की नज़र आपके ऊपर से हटेगी ही नहीं। और ये फ्रॉक वाला जो शरारा है, ये तो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है कैरी करने पे। अगर आप इसे झुमके वगैरह के साथ ट्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।